मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत सड़क नाले का निर्माण कार्य होना है, जिसमें सड़क किनारे बनी दुकानें इसमें बाधक बन रही थी। निगम ने मापी के बाद इमली चट्टी स्टेशन रोड से लेकर धर्मशाला चौक तक 116 दुकानों पर लाल निशान लगाकर 20 जनवरी तक जगह खाली करने की मोहलत दी थी। स्मार्ट सिटी से सड़क चौड़ीकरण व नाला निर्माण के कारण स्टेशन रोड की 116 दुकानों को खाली करने की आखिरी मियाद 20 जनवरी शुक्रवार को पूरी हो गई, जिसके बाद शनिवार को नगर आयुक्त के आदेश पर अतिक्रमण हटाने वाली टीम जेसीबी व ट्रैक्टर लेकर स्टेशन रोड पहुंची, जहां वैध दुकानों को तोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। किसी तरह के हो हंगामे से बचने के लिए मौके पर पुलिस कर्मियों के साथ नगर डीएसपी राघव दयाल और एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश खुद मौके पर मौजूद रहे। हालांकि बुलडोजर चलाने से होने वाले नुकसान के डर से लगभग एक तिहाई दुकान पहले ही खाली हो गई थी। अधिकतर दुकानदारों ने कीमती सामान पहले ही हटा लिए थे। शेष बचे आंदोलन कर रहे दुकानदार धीरे धीरे अपना सामान समेटने में लगे। मौके पर एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने कहा कि दुकानदारों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था, फिर दुकानदारों को छोड़कर सभी लोग दुकान खाली करा चुके हैं। स्मार्ट सिटी से सड़क चौड़ीकरण व नाला निर्माण के कारण स्टेशन रोड की 116 दुकानों को हटाया जा रहा है। अवैध है, अवैध सब दुकान है। अवैध नहीं है, नाला नहीं एडजस्ट हो रहा है। अच्छा, नाला बनाने के लिए जगह चाहिए जी। तो हटाने के बाद इसका चौड़ाई भी बढ़ जाएगा, नाला भी बन जाएगा। साइडिया से जो फेडरल रोड बन रहा है उसी के लिए थोड़ा चाहिए। कितना दुकान हो गए? 116 है। अच्छा, ये दुकानदार साहब को कहीं जगह दिया जाएगा? साहब जाने पर क्या दे दिया आपने? नवीन कुमार नगर। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।